हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट से ट वर्ब के बारे में। तो ट से तरबूज, ट से होता है तरबूज, काट काट कर खाओ खूब। बच्चों, आप सभी ने तरबूज खाया होगा। तरबूज बहुत ही अच्छा फल होता है। ट से तबला, ट से तराजू, और भी ट से बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें से आपको कोई भी एक चित्र काट कर चिपकाना है जो ट से शुरू होता है। अब हम देखते हैं तरबूज का स्वाद कैसा होता है। तरबूज का स्वाद मीठा होता है। तरबूज किस रंग का होता है बच्चों? तरबूज लाल रंग का होता है। तरबूज फल है या सब्जी है? तरबूज फल है। थ से थर्मस होता है। थ से थर्मस मेरा नाम सब लोगों के आता काम। बच्चों, थर्मस में हम चाय गर्म रखते हैं, ठंडा पानी भी लेकर जाते हैं। थर्मस हमें बहुत तरीके से काम आता है। थ से थन होता है और थ से थाली भी होता है। इसके अलावा थ से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें से कोई भी एक चित्र को आप यहाँ पर जो थ से शुरू होता है यहाँ पर चिपका सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें मिलान करना है। थर्मस किससे बना होता है? थर्मस कांच और प्लास्टिक से बना होता है। थर्मस को कैसे रखना चाहिए? थर्मस को बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए जिससे उसका कांच का फ्लास्क टूट नहीं जाए। थर्मस किसे दूर रखना चाहिए? थर्मस आग से दूर रखना चाहिए। दवात, द से दवात, स्याही वाली, कलम डुबोकर लिखती काली। बच्चों, द से दवात होती है जिसके अंदर स्याही रखी जाती है, यानी कि इंक रखी जाती है, उसमें पेन को डुबो डुबो कर लिखा जाता है। द से दमकल, द से दही। यहाँ पर बच्चों, द से शुरू होने वाले किसी एक और पिक्चर को आपको चिपकाना है। अब हम यहाँ पर मिलान करते हैं। दवात में क्या होता है? स्याही होती है। दवात की स्याही किस काम आती है? लिखने के काम आती है। और दवात किससे बनती है? कांच और प्लास्टिक से बनती है। अगला वर्ण है ध। ध से धनुष। ध से धनुष से तीर चलाओ, अर्जुन जैसा वीर कहलाओ। बच्चों, अर्जुन जो था वो महावीर था और वो धनुष में बहुत ही निपुण था। ध से धनिया, ध से धन। और ध से यहाँ पर आप भी कोई एक और चित्र चिपका सकते हैं। इसके बाद धनुष किसका बना होता है? धनुष लकड़ी का बना होता है। धनुष के साथ और क्या होता है? धनुष के साथ बाण होते हैं। क्या आपने धनुष चलाया है? अगर चलाया है तो आप हाँ लिख सकते हैं। खिलौने में भी धनुष आता है। न से नल। न से नल में देता पानी, खुला न छोड़ो कहती नानी। बच्चों, नल आप सबके घर में होता है। और न से और भी शब्द होते हैं जिसमें से कोई भी एक चित्र आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। नल में क्या आता है बच्चों? पानी आता है। क्या आपके घर पर नल है? हाँ, नल बच्चों सभी के घर में पाया जाता है। थैंक यू।